विश्वविख्यात शक्तिपीठ ज्वालामुखी मंदिर में जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर कल्याणानंद गिरी महाराज ने माथा टेका। आपको बता दें, हिमाचल दौरे के दौरान वे कई मंदिरों का भ्रमण करेंगे। इस दौरान उन्होंने बताया कि बहुत जल्द ही कांगड़ा में भव्य आश्रम बनने जा रहा है, जहां एक विशाल मंदिर भी बनाया जाएगा। इस दौरान कथावाचक संदीप शर्मा ने उनको भेंट भी दी। महामंडलेश्वर ने बताया कि भारत वर्ष में कमाक्षा देवी, उत्तर प्रदेश वृंदावन, गोवर्धन धाम, शुक्रतला, हरिद्वार, गुजरात आदि स्थानों में उनके 24 आश्रम हैं। देवी के दर्शन करने आए हैं हिमाचल में, तो आप क्या प्रथम बार आए हैं और आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे? पहले भी एक बार आ चुका था यहाँ, और ये वाकई में देव भूमि है और माँ का प्रभाव है, तो माँ का आग्रह मैं तीन बार बजे आते रहता हूँ। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पर? बहुत मुझे लगता है कि माँ शासक यहाँ हाजिर है और माँ भगवती की बड़ी कृपा है। सहित आए हुए हैं? हाँ, हमारे शिशु के साथ में आया हुआ, सब भाभी को साथ में आया हुआ। अभी इसके बाद जैसे ज्वालामुखी का आपने दर्शन किया, तो इसके बाद आपका कहाँ का प्रोग्राम है? भाई यहाँ से हम चितमुली का विचार है, वहाँ से आके वैष्णो देवी। आप महामंडलेश्वर के कौन से अखाड़े से हैं? मैं सिर पर जूना अखाड़े से हूँ। गुरु जी, एक पूछना चाहूँगा आपसे, जो जूना अखाड़ा है आपका, उसके हिमाचल में आपके कितने शिष्य हैं? हिमाचल में मेरे भाभी के मुख भाई शिष्य एक दो है यहाँ। गुरु जी, आप कहाँ कहाँ पे दर्शन करके आए? अभी हम लोग चंडी जाके आए, वैद्यनाथ जाके आए और कांगड़ा जाके आए और बगला जाके आए। कहाँ जाएंगे अभी? कहाँ जाएंगे इसके बाद? अभी यहाँ से जाएंगे चितपुरनी। रात को विश्राम क्या? रात को विश्राम पे यहीं करेंगे, ज्वालामुखी में होगा। जी जी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए ज्वाला जी से पंकज सोनी के साथ गुरुदेव राणा की रिपोर्ट।